ये मोदी सरकार है जो ब्लू व्हेल से भी खतरनाक गेम खेल रही है 125 करोड़ देशवासियों के साथ। आरक्षण को समाप्त करने की एक केंद्र सरकार की साजिश है। ये मोदी सरकार बहुत बड़ा जाल बुना है। ये जैसे 2019 का खेल है, तो बहुत ही गलत किया है केंद्र सरकार ने। मैं आरक्षण को लात मारने के लिए तैयार हूँ। 2019 के लोकसभा चुनावों के बारे में ये तो पता है कि काफी दिलचस्प चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इस चुनाव के कारण ही देश की जनता के सामने काफी सारी अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। नमस्कार, मैं हूँ सुजीत सागर और आप देख रहे हैं LiveCities.in। मैं अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ फिर से खड़ा हूँ लाइव सिटीज के पब्लिक ओपिनियन में। आज हम विशेषकर अशोक राजपथ पर स्थित अंबेडकर छात्रावास में कुछ हम दलित छात्रों से बात करेंगे कि जो सरकार की तरफ से 10% का आरक्षण दिया गया है उस पर उनकी क्या राय है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। बताइए कि 10% का ये जो आरक्षण है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये 10% का जो आर्थिक आधार पे स्वर्ण समाज को जो आरक्षण दिया गया है, ये संविधान विरोधी निर्णय है और पूरे देश में समाज को ये बांटने का निर्णय है, क्योंकि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो सामाजिक और पिछड़ेपन रूप से है। और किस आधार पर केंद्र सरकार ने, किस डेटा के आधार पर स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया है? ये जातिगण जनगणना की रिपोर्ट को अभी तक प्रकाशित नहीं किए हैं। आखिर किस आधार पर? कि एक गांव में कहावत है कि जब सियार के मौत आता है तो शहर की ओर भागता है, समझ गया? तो ये शहर की ओर भाग रहे हैं और इनका शहर में कोई पनाह नहीं मिलेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीधे सीधे जनता इनको खारिज करेगी। और ये स्वर्णों का लॉलीपॉप जो दिखा रहे हैं वो सफल होने वाला नहीं है। आरक्षण को समाप्त करने की एक केंद्र सरकार की साजिश है और इसलिए हम लोग जो भी है इसका विरोध करेंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि आप विरोध करेंगे, तो सदन में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध करने से पीछे क्यों हट रही? उनको वो वोट बैंक की राजनीति वो कर रहे हैं, उनको कहीं लग रहा है कि जो स्वर्ण समाज का वोट है जो हमसे दूर चला जाएगा और हमको इसकी चिंता नहीं है, हम कोई वोट मांगने के लिए जाने रहे, हम लोग जो संविधान सम्मत बात है वो करेंगे और जो संविधान को तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हर एक संभव हर एक मोड़ पे खड़ा रहेगा। कुछ हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा 2019 में ये जो 10% का जो ये खेल खेला गया, इसको आप कैसे देखते हैं? आरक्षण जो 10% मिला है, ये संविधान में प्रावधान नहीं है, ये गलत है। और जो क्रीमी लेयर जो 8 लाख ये हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि बैकवर्ड का 2.5 लाख है और स्वर्ण समाज का 8 लाख कर दिया गया है। इस पर जैसे ये गलत है, ये जैसे 2019 का खेल है और इस पर गलत है। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। आप बताइए क्या कहते हैं? जैसे आरक्षण का मूल आधार प्रतिनिधित्व था जी। लोगों के रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर ये प्रावधान किया गया था कि जो समाज के दलित तबके हैं, जो पिछड़े हैं, जो समाज की मुख्य धारा से वंचित हैं, उनको आरक्षण का प्रावधान दिया जाए ताकि वे मुख्य धारा में आ सके। लेकिन ये जो मुख्य धारा में लाने के प्रावधान के बावजूद जो ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जो 10% सवर्ण आरक्षण, चाहे 10% आरक्षण की बात की जा रही है, तो इसमें फिर ये दिक्कत हो जाएगा कि आप कह रहे हैं को 8 लाख रुपया जो सालाना, अभी तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके आरक्षित प्रतिशत में से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये उसी के प्लानिंग है, क्योंकि आज जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करने वाले हो तो फिर ये जातिगत आरक्षण धीरे धीरे ये धूमिल होता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि ये जातिगत आरक्षण का जो प्रावधान है इसको हटा के आर्थिक आधार पर कर दिया जाएगा। ये दूर की सोच देखी जा रही है। हाँ, ये दूर की सोच है, ये बीजेपी की रणनीति है ताकि ये लोगों को जातिगत भेदभाव हो इसको हटा के ये आर्थिक आधार पर ला दिया जाए और धीरे धीरे ये जातिगत आरक्षण हटा के आर्थिक आधार कर दिया जाए। बहुत ही गलत किया है केंद्र सरकार ने, ये बिल्कुल समाज में बहुत बड़ा असमानता फैलाने की एक साजिश चल रही है। अभी भी जो है असमानता फैलाने में भारत का स्थान धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ठीक ना? ये कार्य जो केंद्र सरकार की है, इससे देश में और बहुत ज़्यादा असमानता फैलेगा, ठीक ना? तो इसका मैं पूरी तरह से हम लोग दलित समाज के लोग विरोध करते। जिस आधार पे आर्थिक आधार की बात के माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उसका एक आयाम होना चाहिए कि
आर्थिक आधार पे किस किस मैंने आधार पे आप उसका चयन कर रहे हैं। और देखा जाए कि रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है तो 49.5% में जिसमें SC ST OBC के लोग हैं उनका कोई नुकसान नहीं है एक तरफ, दूसरी तरफ है कि जो 55% जो जनरल का रिजर्वेशन है उसी में से 10% दिया जाना है। लेकिन भैया सबसे पहले ये चीज़ तय करनी चाहिए थी कि जो दिखता नहीं है उसके लिए आपने अलग से 10% रिजर्वेशन की बात की है, सरासर पॉलिटिकल स्टंट है। आगामी इलेक्शन को देखते हुए ये मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारा वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं जा रहा है, गड़बड़ हो रही है, उनको अगला सत्ता हाथ से छीनी जा रही है। इसको देखते हुए उन्होंने 10% का ऐलान किया है। लेकिन एक तरह से हमारे समझ से देखा जाए कि ये जो आर्थिक आधार पर ये आरक्षण उन लोगों ने दिया है तो आगे चलकर हम लोग ये परेशानी करेगी कि ये मोदी सरकार बहुत बड़ा जाल बुना है। और ये जाल बुना इस तरह जाल बुना है कि इसमें मछली पार हो जाएगी। जैसे मैं जिस तरह का इसने कानून बनाया है मोदी जाल के जो खाने हैं वो बड़े बड़े से। हाँ, बहुत बड़ा खाना है। हाँ, मछली से बड़े खाने बनाया है क्योंकि इसका जो आर्थिक आधार का जो पैमाना दिया है वो पैमाना बहुत ही खोखला है। तो दृष्टिकोण से देखते हैं कि गरीबी का जो दायरा बनाया है 5 एकड़ जमीन 100-1000 square feet में घर और 8 lakh rupees पर ईयर आमदनी होने वाला है। अब जो व्यक्ति को 8 lakh rupees पर ईयर आमदनी होगा क्या वो गरीब होगा? मैं एक दलित होने के नाते कहना चाहता हूँ कि हमें 8 lakh ना देकर कि हमें 6 lakh दे, मैं आरक्षण को लात मारने के लिए तैयार हूँ। मैं यही चाहता हूँ मोदी सरकार कि मैं भी एक दलित हूँ और हमारे समाज के साथ साथ स्वर्ण में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन इस दायरे में नहीं। तो ये BJP की रणनीति है, ये मोदी सरकार है जो ब्लू व्हेल से भी खतरनाक गेम खेल रही है 125 करोड़ देशवासियों के साथ, और ये बिल्कुल गलत है। 10% आरक्षण देने को तो मुझे लगता है ये लॉलीपॉप या डायरी मिल्क या स्वर्ण समाज के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। आर्थिक आधार का जो पैमाना दिया है वो पैमाना बहुत ही खोखला है। पूरे भारत में मैं बता देना चाहता हूँ जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं 2019 में अभी बहुजनों का छक्का मारना भी बाकी है और इनका जवाब हम वोट के माध्यम से ही देंगे। ये जो 10% का जो आरक्षण है ये तो सारा सारी मतलब वोट बैंक जो कुछ राज्य BJP देखेंगे कुछ राज्यों में हारी है उसका जो डैमेज हुआ उसको पूर्ति करने के लिए ये जो राजनीतिक खेल हो रहा है पूर्ति होगा नहीं, कारण कि स्वयं भी जानते हैं कि इससे लाभ क्यों नहीं मिलना। ऐसे तो SC का OBC का आरक्षण है जो तो नौकरी मिल ही नहीं रहा, रोजगार मोदी सरकार को रोजगार देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, सारा सारी राजनीतिक है और रोजगार के मुद्दे पीछे छूट गया। हाँ छूट गया। इससे भी और हम लोग बता देना चाहते हैं हमारे दलित नेता जो है वो सोच रहे हैं कि मतलब 10% स्वर्ण का जो आरक्षण मिल रहा है उससे दलित का कोई नुकसान नहीं, बहुत नुकसान है। एक बात को उनको मानना पड़ेगा जो वो सोच रहे हमारे कितने भी हैं जो कि बोले कि कोई हमें कोई आपत्ति नहीं, टेपट आगे चल के इतने सारे हम लोग आफत आने वाली है। आरक्षण का आधार बनाया गया है, संविधान में इस तरह का आधार नहीं है। और ये 2019 का वोट बैंक है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि एक गांव में कहावत है कि जब सियार के मौत आता है तो शहर की ओर भागता है, समझ गए? तो ये शहर की ओर भाग रहे हैं और इनका शहर में कोई पनाह नहीं मिलेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीधे सीधे जनता इनको खारिज करेगी। और ये स्वर्णों का लॉलीपॉप जो दिखा रहे हैं वो सफल होने वाला नहीं है। ये मोदी सरकार है जो ब्लू व्हेल से भी खतरनाक गेम खेल रही है 125 करोड़ देशवासियों के साथ, और ये बिल्कुल गलत है। ये चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है क्योंकि इसके पास कोई मुद्दा नहीं है 19 जीतने के लिए, ये तत्कालीन मुद्दा है और इसमें हम लोग पूरा विरोध करेंगे। जो ये आरक्षण की बात हो रही है क्योंकि 4 राज्यों में फिलहाल में जो BJP की सरकार नहीं आ पाई उनको देखते हुए उन्होंने राजनीतिक एजेंडा अपनाया। और रही बात तो 10% आरक्षण देने को तो मुझे लगता है ये लॉलीपॉप या डायरी मिल्क या स्वर्ण समाज के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको ये तो समझ में आ रहा है कि ये चुनावी जुमला तो कहीं ना साबित हो जाएगा, चुनावी जुमला ये साबित हो जाएगा। अभी न्यूज पे भी हम लोग देख रहे हैं कि छक्के पे छक्का लगाना चाह रहे हैं लोकसभा का चुनाव में, लेकिन
पूरे भारत में मैं बता देना चाहता हूँ जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं 2019 में अभी बहुजनों का छक्का मारना भी बाकी है और इनका जवाब हम वोट के माध्यम से ही देंगे। ये मुद्दा तो गलत है, 10% का जो है आरक्षण का जो ये जो हम लोग का अधिकार है जो हम लोग से दूर करना चाहते हैं मोदी सरकार जी, ये जो मास्टर माइंड लगाते हैं कभी राम मंदिर का तो कभी 3 तलाक का तो कभी आरक्षण का, जो तीन राज्यों जो इनको हार हुआ है उनकी वजह से ये मास्टर स्ट्रोक लगाए हैं 2019 का चुनाव का। फायदा होगा इनको? फायदा तो नहीं होने वाला है क्योंकि ये गलत निर्णय है। तो हमने आज अंबेडकर छात्रावास के युवाओं से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या 10% का जो खेल खेला गया है मोदी सरकार की तरफ से क्या वो 2019 में उनकी नैया पार लगाएगा। हमने कुछ दलित छात्रों से बात की, दलित युवाओं से भी बात की, उसमें से एक युवा ने ये भी कहा कि आरक्षण को वो लात मारते हैं। शायद ये बयान हमारे देश के नेताओं को सुनना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि देश का युवा आरक्षण से ज़्यादा बेरोजगारी को दूर करना चाहता है। अगर आज का पब्लिक ओपिनियन आपको हमारा पसंद आया हो तो हमारे इस पब्लिक ओपिनियन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देश दुनिया बिहार की सारी लेटेस्ट खबरों के लिए livecities.in के साथ बने रहें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज पटना।